Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. This is going to be a very special video because इस video में मैं हमारा data science mentorship program का batch 2 announce करने वाला हूँ So अगर आप भी इस course का और इस batch का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तो फिर आपसे request है कि please आप इस video को end to end देखना because इस video में मैं systematically इस program के सारे details एक एक करके cover करूँगा So let's start the video. सो so, प्रोग्राम के डिटेल्स शेयर करने के पहले मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे का मोटिवेशन शेयर करना चाहता हूं सो so, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर नवंबर में मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम सिंस वो बैच वन था तो मैं उसे डी एस एम पी वन बुलाता था अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू जब वो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने खुद को ये चैलेंज दिया था कि मुझे डेटा साइंस का बेस्ट प्रोग्राम क्रिएट करना है एंड यू वोंट बिलीव मैंने एक साल बहुत डेली बेसिस पे मेहनत करके लेक्चर्स ले ले करके साढ़े तीन सौ घंटे का एक प्रोग्राम क्रिएट किया अभी लास्ट मंथ वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ और ऑब्वियसली प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लेना स्टार्ट किया एंड द फीडबैक वॉज वंडरफुल इनफैक्ट वो फीडबैक मैंने आपके साथ इस चैनल पे शेयर भी किया सो so, कुछ दिन पहले जब मैं खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था तो मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा कि फीडबैक तो बहुत अच्छा आया है बट क्या लगता है क्या ये डेटा साइंस का बेस्ट प्रोग्राम है एंड यू वुड बी सरप्राइज कि मेरे दिमाग से जो आंसर निकला वो था नो यस आई एक्सेप्ट दैट कि मेरे हिसाब से डी एस एम पी वन इज नॉट द बेस्ट डेटा साइंस प्रोग्राम आउट देयर क्यों मैं आपको समझाता हूँ अब डी एस एम पी वन परफेक्ट कोर्स क्यों नहीं था ये समझाने के लिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर करूंगा कि आज के डेट में किसी स्टूडेंट को अगर डेटा साइंटिस्ट की जॉब लेनी है इंडस्ट्री में या मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब लेनी है तो उसको क्या क्या आना चाहिए सो so, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको कोर स्किल्स आनी चाहिए कोर स्किल्स क्या होती हैं कोर स्किल्स होती हैं पाइथन एसक्यूएल मशीन लर्निंग का मैथ्स जैसे कि स्टेटिस्टिक्स हुआ लीनर एलजब्रा हुआ और इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उसके ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए बट द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ इतनी पढ़ाई करके आपका इंडस्ट्री में जॉब नहीं लगेगा क्यों क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से डेटा साइंस इवॉल्व हो रहा है और जितना कंपटीशन है इस फील्ड में ये सारी चीजें मान के चलो कि सभी को आती हैं सभी ने ये पढ़ रखा है तो आपको अपने स्किल्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटर ऐड करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जो सभी के पास नहीं है मैं आपको बताता हूँ ऐसी चीजें क्या है सो so, सबसे पहले तो आपको मशीन लर्निंग के कुछ एडवांस्ड एलगोरिदम्स का नॉलेज होना चाहिए जैसे आज की डेट में लीनियर रिग्रेशन और के जैसे एलगोरिदम्स तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी पता होते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि गौशन मिक्सन मॉडल्स क्या हैं और उनको कहाँ यूज किया जाता है या फिर बहुत कम लोगों को पता होता है कि लाइट जीबीएम को एक बड़े डेटा सेट के ऊपर एफिशिएंटली कैसे अप्लाई किया जाता है बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि एक्सजी बूस्ट के बदले कैट बूस्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए तो दिस इज वॉट आई फील कि जिन लोगों को ये एडवांस्ड मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स भी आती है उनके पास एक एक्स्ट्रा एज है अपने पियर्स के ऊपर इसके अलावा आई फील एक और चीज जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है वो है एडवांस्ड टेक्निक सीखना इफ़ यू आस्क मी मशीन लर्निंग इज़ हाईली थ्योरेटिकल बहुत थ्योरी है बट स्टिल मैं मशीन लर्निंग को एक प्रैक्टिकल फील्ड समझता हूँ बिकॉज अगर आप अपना थ्योरेटिकल नॉलेज को एक डेटा सेट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या ही फायदा वो सारे एल्गोरिदम्स पढ़ने का तो कुछ एडवांस टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आज के डेट में हर किसी को पता है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ग्रिड सर्च सीवी हुआ या रैंडम सर्च सीवी हुआ इसको आप डेटा सेट पर कैसे अप्लाई करते हो बट बहुत ही कम लोगों को बेजियन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है बहुत ही कम लोग हाइपर ऑप्ट या फिर ऑप्टिनो जैसे टूल्स के साथ काम करने में कंफर्टेबल है या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत कम लोगों को अनबैलेंसड डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है और बहुत कम लोगों को एडवांस्ड फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स पता होती हैं तो आई फील जिन लोगों को ये हैंड्स ऑन आइडिया है इन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करने का वो ज़्यादा बेटर ग्रेड डेटा साइंटिस्ट बनते हैं इंडस्ट्री में जाकर के तो इसका नॉलेज होना जरूरी है आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ जो आज की डेट में बहुत वैल्यूबल हो गई है वो ये है कि अच्छे प्रैक्टिस यूज करके एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करके क्लाउड सर्विसेज पे कैसे डिप्लॉय एंड मॉनिटर करना है बेसिकली एमएल ऑप्स ये स्किल का बहुत डिमांड है मार्केट में आई एम श्योर आप एक बार बाहर जाकर के जॉब लिस्टिंग देखोगे अलग अलग वेबसाइट्स पे एम एल ऑप्स आपको सभी जगह पे दिखाई देगा तो एम एल ऑप्स इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए एंड इतना पढ़ने के बाद भी काफी नहीं है इन सब के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट दो से तीन ऐसी केस स्टडीज हो जहां पर आपने अपने कोर नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्रोचेस uh, के साथ मिक्स करके एमिलॉप्स जैसे पूरे के पूरे पाइपलाइन uh, को यूज करके एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना रखे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी से समझ में आता है किसी रिक्रूटर को कि आपने किस तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई करके प्रोजेक्ट बिल्डिंग की है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एंड में आपके पास इंटरव्यू स्पेसिफिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से 200-300 क्वेश्चंस हैं जो हर बार हर कंपनी के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आई फील ये जो पेज ये जो पीपीटी आपके स्क्रीन पर है ना ये अगर आप सही से कवर करते हो तो फिर आप बहुत ईजिली डेटा साइंस जॉब क्रैक कर सकते हो इंडस्ट्री में नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि क्यों डीएसएम पी वन वॉज नॉट द परफेक्ट कोर्स उसका रीजन ये है कि वो जो एक साल हमने डीएसएम वन में पढ़ाई की उसमें हमने पूरा फोकस जो किया वो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे किया हमने कोर स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाई की मैंने पूरा एक साल पाइथन एसक्यूएल मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर स्पेंड किया और जो भी बना वो बहुत अच्छा बना आज के डेट में अगर कोई बिगनर आता है और वो डी एस वन उठा करके ये सारे टॉपिक्स पढ़ता है आई एम प्रिटी श्योर कि उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा इन कोर स्किल्स के बारे में बट प्रॉब्लम वॉज की टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं था जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड द स्क्रीन है ये हम लोग अच्छे से कवर नहीं कर पाए हम एडवांस मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स कवर नहीं कर पाए एडवांस टेक्निक्स कवर नहीं कर पाए केस स्टडी के नाम पर हमने एक ही केस स्टडी पढ़ा एम एल ऑप्स हमने कवर नहीं किया और डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम एड नहीं कर पाए तो ये जो स्क्रीन है ना ये जो पीपीटी है यही मेरा मोटिवेशन है डेटा साइंस

mentorship प्रोग्राम मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसका मतलब इसके अंदर हम वो सारी चीजें ऑफर करेंगे जो डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 1 में थी मतलब यहां पर भी लाइव क्लासेस होंगी क्लासेस के बाद आपको टास्क दिए जाएंगे टास्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपके असेसमेंट्स होंगे अगर आपको डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स का रिजोल्यूशन हम लोग करेंगे करियर पर चर्चा जैसी चीजें भी होंगी जहां पे हम आपका प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह करेंगे तो ये सारी चीजें में भी होने वाली है सीक्वल ऑफ डीएसएम इसका मतलब ये हुआ कि डीएसएमपी पी वन जहां पे खत्म हुआ था एग्जैक्टली exactly उसी जगह से डीएसएमपी टू स्टार्ट होगा अब इस पूरी बात को समझाने के लिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि क्या मेजर ऑफरिंग्स हैं डीएसएमपी टू में लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ऑफरिंग आवर फर्स्ट ऑफरिंग इज रिकॉर्डेड वीडियोस सो हम इस कोर्स में आपको साढ़े तीन सौ घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे ये कंटेंट डायरेक्टली हम डीएसएमपी 1 वन से उठा के ला रहे हैं DSMP पी वन में अराउंड डेढ़ सौ लेक्चर्स हुए थे और उन डेढ़ सौ लेक्चर्स का जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसे ही आप डीएसएमपी टू में एनरोल करते हो बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको एक सेपरेट कोर्स ना खरीदना पड़े बेसिक्स को कवर करने के लिए आप सीधे सीधे इसी कोर्स के डैशबोर्ड से वो सारा का सारा बेसिक्स कवर कर सकते हो तो दिस इज द फर्स्ट ऑफरिंग एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफरिंग बिकॉज आपके पास वन गो में थ्री फिफ्टी आवर्स का बेस्ट पॉसिबल कॉन्टेंट अवेलेबल है सो so, इस कोर्स में हम लोग अगले छः से आठ महीनों में ऑलमोस्ट डेढ़ सौ लाइव सेशन कवर करेंगे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स एम ऑप्स फीचर इंजीनियरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग कंपेटिटिव डेटा साइंस एंड लास्टली कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पॉइंट पे कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ पूरा जो करिकुलम है इस कोर्स का वो शेयर कर रहा हूँ आप जा करके उसको देख सकते हो सो दिस इज द करिकुलम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ये अराउंड फोर्टी नाइन पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा पूरी चीज़ को स्कैन करने में सो so, शुरू में आपको डी एस एम पी वन का सारा कॉन्टेंट मिलेगा जो मैं थ्री फिफ्टी आर्स का कॉन्टेंट बोल रहा था और फिर यहाँ से डी एस एम पी टू का कॉन्टेंट स्टार्ट होता है एम एल ऑप्स का करिकुलम फीचर इंजीनियरिंग का करिकुलम अनसुपरवाइज लर्निंग का करिकुलम कंपेटेटिव डेटा साइंस का करिकुलम और लास्ट में कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि नो सीक्वल पढ़ेंगे हम लोग ऑटो एम पढ़ेंगे ए डब्ल्यू एस सेज मेकर पढ़ेंगे uh, और ऑनलाइन मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स एक बार प्लीज इस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से गो थ्रू कर लो ऑब्वियसली सब कुछ फाइनल नहीं है आपके फीडबैक के बेसिस पे हम यहां से टॉपिक्स एड सब्रैक्ट कर सकते हैं बट या दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट सिक्स टू एट मंथ्स। ऑफरिंग नंबर थ्री है एंड टू एंड केस स्टडीज इस पूरे कोर्स में हम लोग पांच केस स्टडीज कवर करेंगे सो so, पहली जो केस स्टडी है वो है टू बिल्ड अ हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग स्पॉटिफाई का डेटा सेट जहां पर हम गानों के इनपुट के बेसिस पे और गाने रिकमेंड करेंगे एंड दिस वुड बी अ हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम कंटेंट बेस्ड भी होगा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी होगा दोनों का मिक्सचर होगा सेकंड वुड बी टू बिल्ड अ क्रोम प्लगइन जो आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो और जैसे ही आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलोगे वो आपको एक एनालिटिक्स दे देगा कि उस यूट्यूब वीडियो पे कितने परसेंट वीडियो कितने परसेंट कमेंट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं कितने परसेंट कमेंट्स नेगेटिव सेंटिमेंट है तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे थर्ड वुड बी अ प्रोजेक्ट ऑन उबर्स डेटा सेट जहाँ पे हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया यहाँ पर हम एक बहुत बड़े डेटा सेट के साथ डील करेंगे जो जीबीज में होगा तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड द फोर्थ वन वुड बी मेडिकल साइड का डेटा सेट हेल्थ केयर का डेटा सेट जहाँ पर हम एक डेटा सेट के बेसिस पे रेयर डिजीज का प्रोडिक्शन करेंगे तो ये अनबैलेंस्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगा तो अगेन अ वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड लास्टली हम एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वेबसाइट बनाएंगे जहां पर हम मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करेंगे लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम प्राइस प्रिडिक्शन मॉड्यूल इनसाइट्स मॉड्यूल और एक दो चीजें और तो ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है डीएसएमपी वन में तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे बट ऊपर वाले जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम लोग लाइव सेशन में कवर करने वाले हैं ऑफरिंग नंबर फोर है जॉब प्रिपरेशन मॉड्यूल सो जैसे ही हम जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे वो कवर कर लेंगे पहले तीन चार महीनों में उसके बाद जो लेटर हाफ ऑफ द प्रोग्राम है वहाँ पर हम जॉब प्रिपरेशन के ऊपर बहुत फोकस करेंगे हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि आपका प्रोफाइल बिल्डिंग सही से हो और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन सही से हो तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे सबसे पहला होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन तो सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में आपके वीकली सेशंस होंगे जहां पर इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा मेरा टारगेट है जो 200 सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा दें क्योंकि वही क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होकर के अलग अलग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं तो आई फील ये 200 क्वेश्चंस अगर आपने टैकल करना सीख लिया तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंटरव्यूज में तो एक डेडिकेटेड इंटरव्यू का पूरा मॉड्यूल रहेगा वो हम सेकेंड हाफ ऑफ द कोर्स में करेंगे उसके अलावा हम लोग मंथली प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस करेंगे जहां पर जो डिफरेंट आपकी पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट्स होती है रेज्यूमे हुआ या फिर कवर लेटर हुआ या फिर लिंकड प्रोफाइल हुआ या फिर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हुए इनको आप कैसे अच्छे से ट्यून कर सकते हो सो so दैट आपकी विजिबिलिटी बढ़े जॉब मार्केट में उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे उसके ऊपर हम लोग सेशंस लेंगे हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों ने जॉब्स क्रैक कर रखे हैं वो आपको ये चीजें सिखाएंगे एंड लास्टली वी विल ऑल्सो बी डूइंग न्यू थिंग दिस टाइम तो वी आर गोइंग वी आर कॉलिंग इट इंडस्ट्री कनेक्ट सो हमारा गोल ये है कि हम हर मंथ एटलीस्ट एक ऐसा सेशन कराए जहां पर इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई डेटा साइंटिस्ट आएगा और आपका एक लाइव सेशन लेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और गोल ये होगा कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्री में काम करने का वो आपके साथ शेयर करे सो आई फील कि ये नॉलेज होना कि इंडस्ट्री में कैसे काम कर होता है ये आपको बहुत हेल्प करेगा वाइल्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स तो ये तीन चीजों को मिला करके हम जॉब प्रिपरेशन मॉड्यूल बुला रहे हैं एंड आई रियली फील ये अगर सही से एग्जीक्यूट होता है तो फिर जॉब्स को क्रैक करने में आपको बहुत मदद मिल सकती है सो so, इन चार ऑफरिंग्स के अलावा कुछ और छोटी छोटी ऑफरिंग्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ उनमें से सबसे पहला है वन ऑन वन डाउट सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो डाउट्स आएंगे तो डाउट्स को सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका काम है जैसे ही आपको कोई डाउट आता है आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करके देना है जो आपके कोर्स डैशबोर्ड में होगा हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके साथ वन ऑन वन सेशन ले लेगी तो इससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे दूसरी ऑफरिंग है कि आपका जो ये पूरा कोर्स है डी एस इसका जो कोर्स वैलिडिटी है वो थ्री ईयर्स है मतलब अगर आप आज इस कोर्स को परचेज करते हो तो आप 31 दिसंबर 2026 तक इस कोर्स के सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग देख पाओगे लास्ट टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था ज्यादा तो मैंने अराउंड डेढ़ साल की वैलिडिटी दी थी तो बहुत लोगों ने शिकायत की कि इतना बड़ा कोर्स है वी नीड मोर टाइम तो उस फीडबैक को मैंने इस बार थोड़ा कंसिडर किया है और आपको ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स एंड टू मंथ्स का वैलिडिटी मैं दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशियंट है तीन सालों में आप इस कोर्स को डेफिनेटली दो तीन बार पूरा एंड टू एंड कवर कर सकते हो ऑफरिंग नंबर थ्री है ऑब्वियसली सर्टिफिकेट मिलेगा उन सारे लोगों को जो भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एक गिवन क्राइटेरिया क्रॉस करते हैं विच बेसिकली इज अराउंडिफ्टी परसेंट ऑफ द वीडियोज आपने देखे हैं और आपने हमारे सारे असेसमेंट्स दिए हैं तो ये क्राइटेरिया जो भी लोग क्रॉस करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा हमारी साइड से एंड लास्टली यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद अ लिंक ऑफ आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बिकॉज़ हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल करें उन लोगों के बीच में एक कम्युनिटी बने बिकॉज़ कम्युनिटी में जो लर्निंग होती है वो बहुत बढ़िया होती है वी वांट कि आपका नेटवर्क बड़ा हो आप लोग साथ में पढ़ाई करें साथ में जॉब हंटिंग करें कल को जॉब लगे तो एक दूसरे को रेफर करें तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब एक एक्टिव कम्युनिटी हो तो वी विल ऑल्सो तक मैंने आपको बताया ये सब हमारा ऑफरिंग है डीएसएमपी एस टू पॉइंट ओ के लिए अब आता है मेन सवाल कि, कि किसको एनरोल करना चाहिए हमारे इस कोर्स में तो इफ आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू ये जो कोर्स है ना ये थोड़ा सा डिजाइंड है उन लोगों के लिए जो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं डेटा साइंस में मतलब आपको थोड़ा सा पाइथन आता है एसक्यूएल आता है आपने मशीन लर्निंग के एलगोरिदम्स पढ़ रखे हैं तो फिर यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स बिकॉज अब आपको जो चाहिए वो है थोड़ी सी पॉलिशिंग आपको एमलॉप सीखना चाहिए आपको थोड़े एडवांस एल्गोरिदम्स एक्सेट्रा सीखने चाहिए और फिर आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाओ तो इफ यू आर एन इंटरमीडिएट लेवल लर्नर मेरे चैनल पे आप चार छः महीने बिता चुके हो डीएसएम का सारा कॉन्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है आप भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आपको क्या करना होगा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको वो जो पुराने लेक्चर्स हैं वो देखने होंगे और फिर जो करेंट लेक्चर्स है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सो तो हम तो एक ऐसा रिसोर्स बनाना चाहते हैं जो किसी भी टाइप के लर्नर के लिए हेल्पफुल हो सो so, बिगनर हो पुराने लेक्चर्स देखो डाउट्स आ रहे हैं वन वन ऑन डाउट लो काम चल जाएगा ठीक है तो हु शुड हुईन दिस फॉर मी द आंसर इज देंड एवरी वन जिसको भी डेटा साइंस अच्छे से पढ़नी है और जिसको भी डेटा साइंस में जॉब लेना है दिस कोर्स विल एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर दैट अब एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पूरा का पूरा टाइमलाइन कि कब क्या होने वाला है इस कोर्स में सो so, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है सो so, सबसे पहले आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो फोर्थ नवंबर को आज हमारा कोर्स फॉर्मली लॉन्च हो रहा है और आज से हमारी वेबसाइट पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो मैंने एक डाउट क्लियरिंग सेशन प्लान किया है दो दिन बाद छह तारीख को बिकॉज आज का वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को बहुत तरीके के डाउट्स आ रहे होंगे एनरोलमेंट करने के पहले तो आपके डाउट्स मैं लूंगा 6 तारीख को इन अ लाइव सेशन तो आप भी ज्वाइन करना लाइव चैट में आप अपने क्वेश्चंस पूछना और मैं आपको आंसर्स दूंगा उसके बाद आप आराम से एनरोलमेंट कर सकते हो फिर जब आप एनरोलमेंट कर लोगे तो 17 तारीख को हमारा कोर्स किक स्टार्ट होगा 17 तारीख को हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा प्लान एकदम अच्छे से बताऊंगा आई विल गो थ्रू द एंटायर करिकुलम आई एल शो यू द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट फोर्टी फोर्टी फाइव डेज उसके अलावा डिस्कॉड कम्युनिटी में आप लोगों को एड करेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग करेंगे विच विल बेसिकली स्टार्ट द कोर्स फॉर यू एंड लास्टली अट्ठारह नवम्बर से हमारा पहला सेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट सिक्स मंथ्स एट मंथ्स हम लोग इस कोर्स में काफ़ी मेहनत करके अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे सो दिस इज द टाइम लाइन फॉर यू ये डेट्स आप प्लीज अपने दिमाग में रखना नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग जिसका आप शायद इंतजार कर रहे हो लेट्स डिस्कस द फी फॉर दिस कोर्स। तो फी मैंने कैसे प्लान किया मैं आपको बताता हूँ सो uh, so मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था हम आपको डी एस एम पी वन का सारा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस कोर्स का फी था फिफ्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज प्लस हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज अराउंडिफ्टी लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स और उसके अलावा डाउट सपोर्ट तीन साल की वैलिडिटी तो इन माई माइंड द नंबर केम आउट टू बी फाइव थाउजेंड और इन दोनों को जोड़ दो अगर आप तो फिर आपको इस कोर्स का फी मिल जाएगा द फी फॉर दिस कोर्स इज टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज और आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ज़्यादा हो गया कैन बी गेट अ डिस्काउंट तो uh, आई नो एम नॉट वेरी फेमस फॉर गिविंग डिस्काउंट बट सिंस अभी वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू कोर्स दिवाली इज अराउंड कॉर्नर तो आई हैव डिस अर्ली बर्थ डिस्काउंट विच इज टेन परसेंट सो द कोर्स बिकम्स नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज और ये जो अर्ली बर्थ डिस्काउंट है ये एप्लीकेबल है ग्यारह नवम्बर तक विच इज एक हफ्ता आज से तो अगर आप नेक्स्ट सेवन डेज में एनरोल करते हो तो आपका कोर्स फी वुड बी नाइन फाइव फोर जीरो फी इतने में आपको अराउंड सिक्स हंड्रेड आवर्स का कंटेंट मिलने वाला है तीन साल की वैलिडिटी मिलने वाली है एक साल का डाउट सपोर्ट मिलने वाला है और जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब आपको मिलने वाला है सो आई होप यू आर हैप्पी विद द फी फॉर द कोर्स Uh, एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं और वो है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो किसी भी कंट्री में तो आपकी जो कोर्स फी है वो है वन फोर्टी नाइन यू एस डॉलर्स ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा है जितना हम इंडियन स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं और उसका रीजन ये है कि आ, बैंकिंग में बहुत पैसा कट जाता है जब आप बाहर से पेमेंट मांगते हो तो मैंने वो फी एड कर रखा है और आप लोगों के लिए भी एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है अगर आप 11 नवंबर के पहले आ, इस कोर्स को खरीदते हो तो ये आपको 134 डॉलर्स का मिलेगा जस्ट मेक श्योर आप 11 नवंबर के पहले इसको खरीदो ठीक है तो ये जो मैंने आपको फी बताया ये नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डीएसएम पी में एनरोल नहीं किया था अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने डीएसएम पी में एनरोल किया था तो आपको मैं एक अलग डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो दिस इज द कोर्स फी फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने हमारे साथ डीएसएमपी पी वन में एनरोलमेंट किया था आपके लिए जो कोर्स फी है वो है दस हजार छ सौ रुपए माइनस एक्स यहाँ पर एक्स क्या है एक्स है वो फी जो आपने डीएसएमपी पी वन में दिया था सो so इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डीएसएमपी वन में फिफ्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज पे किया था जो कि उस कोर्स का फी था तो इस कोर्स के लिए आपको सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज़ देने हैं उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना लेट्स आपने डी एस एम पी वन में सोलह सौ रुपये दिए थे सिर्फ दो ही महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था इन दैट केस योर कोर्स फी वुड बी नाइन थाउजेंड रुपीज़ सो बेसिकली आप खुद से पूछ लो कि आपने कितने सब्सक्रिप्शन पे किए थे दो किए थे चार किए थे या सारे सब्सक्रिप्शन पे किए थे आप उसको हमारे कोर्स फी से सब्ट्रैक्ट करो वही आपका कोर्स फी होगा बस एक चीज का ध्यान रखना है द मैक्सिम डिस्काउंट दैट यू विल गेट इज फिफ्टी सिक्स हंड्रेड उससे ज्यादा का डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा सो दिस इज द कोर्स फी फॉर न्यू स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है अब आई गेस आपके दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ करना है सो गाइज रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है हमारे कोर्स में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा दिस इज़ द पेज फॉर कैंपस एक्स डी एस एम पी टू पॉइंट टू यहाँ पर आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं आई वुड रिकमेंड स्पेशली आप जा करके एक बार एफ ए क्यूज़ पढ़ लो ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे यहाँ पर सारे एफ़े क्यूज़ दिए हुए हैं उसके बाद ही आप एनरोलमेंट करो एनरोलमेंट करना बहुत आसान है आपको यहाँ पर एनरोल फॉर कोर्स पे क्लिक करना है और पेमेंट करनी है और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा आपको हमारी साइट से कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा और फिर आप सत्रह तारीख का ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर डिस्काउंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना एक गूगल फॉर्म ओपन होगा जहां पे आप हमें अपना डिटेल्स बताओगे आपका नाम आपका ई मेल वो ई मेल जिसको यूज करके आपने डी एस वन में एनरोल किया था आपका व्हाट्सएप नंबर और आप हमें बताओगे कि आपने कितना पे किया था डीएसएम वन में और फिर हमारे टीम वाले आपको विद इन फोर्टी एट आवर्स कॉन्टैक्ट करेंगे ओवर व्हाट्सएप और आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे और फिर आप वापस इस वेबसाइट पे आओगे और उस कूपन कोड को यूज करके अपना एनरोलमेंट करोगे ठीक है तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया के बाहर से एनरोलमेंट करना चाह रहा है और आपका पेमेंट हमारी वेबसाइट पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा इन दैट केस आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो माई ई मेल आई डी इज नितिश एन आई टी आई एस एच डॉट कैंपस एक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप वहां पे मुझे मेल करो और मैं आपको असिस्ट कर दूंगा पेमेंट करने में uh, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ देर आर सर्टिन कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज जहाँ पे हम पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बट इफ यू आर फ्रॉम यू एस और यूरोप तो वहां से हम पेमेंट्स ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजिंग पेपाल सो लेट मी नो इफ यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल सो लास्टली अगर जाते जाते आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप सबसे पहले तो सिक्सथ नवंबर का जो डाउट क्लियरिंग सेशन है आप उसको अटेंड करो वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई डाउट पूछना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और गूगल फॉर्म का लिंक दिया है जहां पर आप अपना क्वेश्चन या डाउट जो भी है इस कोर्स से रिलेटेड वो पूछ सकते हो और वो मैं पढ़ूंगा और वो मैं सिक्स को आंसर करूंगा और इसके अलावा अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट करने में तो ये ई मेल आई आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आ, मैं या फिर मेरी टीम आपको फोर्टी एट आवर्स के अंदर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो या गाइज दैट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देना था अब जाते जाते बस एक छोटा सा पिच दे देता हूँ मैं आपके सामने सो so,

और इस कोर्स के बाद आप एक्चुअली इतना नॉलेज गेन कर लो कि आप इंडस्ट्री में जाकर के जॉब्स क्रैक कर पाओ सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फिर से वापस uh, इस कोर्स को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए एंड आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड लेट्स मीट इन द कोर्स बाय